आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत के पदाधिकारियों ने लोहामंडी क्षेत्र में पिछले दिनों हुई विवाद में निष्पक्ष जांच को लेकर SSP से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। अभी विगत दिनों पूर्व जो लोहा मंडी में घटना हुई थी, दो पक्षों का जो विवाद हुआ था, उसमें एक पुलिस द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई की गई जिसमें कई निर्दोष जेल जा चुके हैं और उनके ऊपर डकैती की धारा लगाई गई है। कल हम लोग क्षेत्र में गए, क्षेत्र में लोगों से मिले, जो मुलाकात की, जिनके बच्चे जेल गए, महिलाएँ बहुत दहशत में हैं, कई घरों में ताले लगे हुए हैं। तो आज हमने पुणे कप्तान साहब से मुलाकात की और कप्तान साहब को पूरा बात बताई, उनके पीड़ितों का भी पक्ष रखा और ये भी कहा जो जिस प्रकार से शहर के अंदर दिन दहाड़े डकैतियाँ नहीं होती हैं, जो पुलिस ने डकैती की धारा लगाई है वो गलत है। सबसे पहले डकैती की धारा हटाई जाए, उसके बाद जो दबिश दी जा रही है और निर्दोषियों को पकड़ा जा रहा है उनकी धरपकड़ रोकी जाए। आज एक डेलीगेशन मुस्लिम महापंचायत का माननीय नदीम नूर जी के अध्यक्षता में माननीय कप्तान साहब से आज मिले हैं, जो लोहा मंडी प्रकरण को लेकर के। तो उसमें यही हम लोगों की मांग थी कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन जो निर्दोष हैं, जो डरे हुए हैं, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार ना किया जाए, जो कि वो अपने आप को असहमा और जो है असहाय समझे। तो हमने बस यही कहा है कि कप्तान साहब से कि जो डकैती की एक धारा है वो उसको हटाई जाए और निर्दोषों को जो है उनको बख्शा जाए। तो माननीय कप्तान साहब ने भी उस पर आश्वासन दिया है कि इसमें निष्पक्ष तरीके से जाँच होगी और कार्रवाई करेंगे हम। आज हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में पहुँचे और उनसे मुलाकात की। विगत दिनों जो सेवा भारती कार्यालय पर प्रकरण हुआ उसकी हम निंदा करते हैं। घटना किसी ने भी करी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो निर्दोष हैं उनका कानून में मतलब जो आस्था और विश्वास बना रहना चाहिए। उनके परिवारजनों से हम मिले, रो रहे बिलख रहे थे, हमने कप्तान साहब से यही गुहार लगाई कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, निर्दोषों को बख्शा जाए और साथ ही शहर की अमन और शांति के लिए जो पुलिस ने पर्याप्त कार्रवाई की उससे हम लोग संतुष्ट हैं।